तो ये चप्पल उतारते ही बस 50 मीटर ऊपर ये है, यहाँ पे दान दक्षिणा आप यहाँ पे दे सकते हैं आपकी अगर इच्छा है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं भद्राज टेम्पल में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। यहाँ पे आने पे हमको लग गए देहरादून से लगभग 3 घंटे, और शांत माहौल है बिल्कुल। चलो जी पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आसपास की जगह आपको। एक छोटा सा नज़ारा ये रहा, देखिए सामने ग्लेशियर चमक रहे हैं। तो चलिए जी, अब सब इंतज़ार कर रहे हैं अंदर जाने के बाद, फिर आपको दिखाते हैं आसपास का कैसा व्यू है। तो चलो जी अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए फाइनली। चलो जी फटाफट से दर्शन करके फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आसपास का एरिया कैसा कैसा है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये लक्ष्मण जी का रूप है क्या जी? बलराम। मतलब हमने दर्शन कर लिए हैं, बस एक परिक्रमा करके जो हम बैठते हैं। और ये जो पत्थर है ना, बहुत चिल्ड हो रहा है। जो भी मूर्ति अभी आपने देखी वो जो है बनाई भी नहीं है, अपने आप वो उत्पन्न हुई है, तो उनका प्राकृतिक उत्पादन हुआ है। होगी मुझे सोने रहा है। तो जी मंदिर पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ आते ही जो है सब जो है अलग थलग से हो गए हैं। ये देखे कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, कोई उधर है, ऐसे ही खड़े हैं। मतलब एक थकावट सी हो चुकी है सबको। दर्शन हमने कर लिए हैं, अभी हम भी थोड़ा सा धूप लेंगे, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। तो जी दर्शन हमारे हो चुके हैं, हमने दर्शन कर लिए। बलराम जी का मंदिर है। सुना जाता है कि भाई जब भी महाभारत खत्म होता तो उस दौरान, हालांकि महाभारत पांडवों से रिलेटेड था, बट बलराम जी का कृष्ण भगवान जी थे ना उसमें, तो बलराम जी ने यहाँ पे आके तपस्या की थी। और जो आप अंदर मूर्तियाँ देखी ना, ये सब जो है अपने आप बनी हुई है, किसी ने कोई चित्रकारी नहीं की। तो बस अभी दर्शन कर ली ही हमने, आसपास की आपको जगह दिखा देते हैं कैसी है। काफ़ी अच्छा माहौल है, शांत माहौल है, साफ सुथरा माहौल है। और ये देखे हमारे पहुने संजय भाई इधर है, और यह है विपिन सहारनपुर वाले, सब लेटे हुए हैं धूप में, मज़ा ले रहे हैं। और मंदिर की स्थिति यह है कुछ ऐसा मस्त है, यहाँ से एकदम जकास मंदिर लग रहा है। चलो जी मैं आसपास को आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, चारों तरफ इसके खुला है, बच्चे वगैरह आ सकते हैं, लेकिन रास्ता इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, बाइक पे बच्चों का आना जो है इम्पॉसिबल सा ही है, क्योंकि गिरने का बहुत सारा खतरा रहता है। और बस हम तम पहुँच गए जैसे कैसे करके। तो इसके आसपास का कुछ एरिया मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने अपने बैग जैकेट और जो भी बेल्ट आइटम है वो सब यहाँ पे उतार के रख दिया, चमड़ा वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये देखिए जी इधर का नज़ारा कुछ इस तरह है, और इस सामने मंदिर ये रहा, ये मंदिर का बैक एरिया है। और यहाँ पे आप अगर कुछ दान दक्षिणा देनी है तो आप यहाँ पे अपनी पर्ची बनवा सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक हमने कहाँ खड़ी करी हुई है। ये नीचे बाइक है, ओके, यहाँ से नहीं दिखेंगी क्योंकि हम थोड़ा पैदल चल के आए हैं ना। तो ये रहा जी यहाँ का एरिया, ये देखो। गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं, घूम फिर लिए हमने, आधा पौन घंटा यहाँ पर रुक गए हैं, अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो हमारे साथी ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। अरे देखिए यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, बाकी सड़क वगैरह बिछी हुई है चारों तरफ, आप इजली घूम सकते हैं। और इसके बाद हमारा कहीं पर जो है रास्ते में होगा। तो जी रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहे हैं। सही रास्ता उधर से भी है, आने जाने का पक्की सड़क है, बट हम थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में उबड़ खाबड़ रास्तों पर फूक फूक के पाँव धरते हुए नीचे जा रहे हैं, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। बाकी हमारे साथी चले गए हैं नीचे, और हमारी बाइक सामने खड़ी है। और इधर का रास्ता कुछ ऐसा है, सही रास्ता तो उधर से है जाने का, बाकी हम जा रहे हैं यहाँ से। तो चले जी मिलते हैं हम आपको सीधे बाइक पे, और बाइक से बैठ के जिंक लेंगे। ठू ठू
दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था एक हॉन्टेड हाउस मसूरी में स्थित है, तो फिलहाल हम आ चुके हैं वहीं पे घूमने। एक खंडर टाइप से है, कुछ अंग्रेजों जमाने का बना हुआ। तो माना जाता है कि यहाँ पे भाई कुछ मजदूरों को जो है दबकर मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। तो तब से ही यहाँ पे कुछ प्रेत आत्माएं या नेगेटिव एनर्जी का कुछ वास है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी है ये, और लोग वहाँ घूमने भी आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं अंदर कैसा क्या माहौल है। लो जी, ऐसा है कुछ खंडर अंदर से है। अब तो बस नाम नाम छपे हुए हैं जी यहाँ तो। लोग बाग है जी, बढ़िया है यहाँ तो रहने का माहौल, बढ़िया कमरे कुमरे अपने। बस बस भूत भात घरनी है। अभिषेक के साथ तन्नु गुन्नु पता नहीं क्या क्या। लो जी है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ से व्यू देखो क्या गजब आ रहा भाई। हमें जो है अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ किसी चीज से भी। अरे रहा यहाँ पे भूत, तो जी किसी भी चीज से हमारा संपर्क तो हुआ नहीं, बट यहाँ पे जो है और निशानियां ही मिल रही हैं। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। ठीक है, मतलब घूमने का ठीक है, 10-15 मिनट का। कुछ अलग सी स्मेल आ रही है, जैसे कि कुछ लकड़ी वगैरह फूंक के डाल रखी है और कोयला बच जाता है बाद में, कुछ ऐसी स्मेल है। ये तो डबल स्टोरी है भाई, ऊपर बैठे होंगे सारे भी। तो ये डबल स्टोरी है, यहाँ पे जो है जो भी रेंट वेंट पे आना हो भूत भाइयों से संपर्क कर ले और अपने यहाँ पे बिस्तरा जमा ले। ये जो है ओपन है, ओपन एरिया। हाँ जी, कुछ मिला संपर्क? हो नहीं पा रहा संपर्क है, संपर्क करवा, कष्ट है रही है। अब बोलो संपर्क हुआ। हाँ चलो। तो गाइस, अभी तक किसी भी भूत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तलाश करते करते हम आ गए हैं डबल स्टोरी मंजिल पे, तो बस खंडर ही पड़ा है। तो पूरी कोशिश में है कुछ कहीं से कुछ सुराग मिले। हमारे साथ भी परेशान होंगे ढूंढते ढूंढते। अरे कुछ आवाज आ रही है, आ रही आवाज, लगता है संपर्क हो गया। कम आवाज आ रही लेकिन भूत की। इधर से है कुछ, है कुछ, हमें डर भी लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। थोड़ी हिम्मत करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। ये बैठा भूत। तो जी फाइनल राउंड, थर्ड स्टोरी पे जा रहे हैं हम। अब होप्स हो कि कुछ मिल जाना चाहिए, भूत तो दिखे जाना चाहिए। हाँ जी, तो बड़ी कोशिशों के बाद पूरी पूरी कोशिश है हमारी संपर्क करने की। बचाओ भाई साहब, भाई साहब ऊपर कर दे कपड़ा। लो जी आ गया, आ गया कुछ, आ गया है कुछ। हाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग हो रहा है शाम के 7 बजे, दिन है शनिवार। और भगवान आप देख रहे हैं, ये चल रही है जन्मदिन की तैयारी और सुंदरकांड की। तो मंदिर समिति है देहरादून में, यहाँ से बर्तन हमारे यहाँ जाते हैं अधिकतर। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बार अंदर का नज़ारा। सभी बर्तन वगैरह ले रहे हैं, उनको लेके चलते हैं घर। अभी नहीं आए,